हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अपनी जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी हम लोगों को, क्या थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पहले ये जानेंगे, ठीक है? अब तो आवाज़ आ रही होगी एकदम बराबर, ठीक है? माइक वगैरह देखो आ गया है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि माइक से पढ़ा रहे हैं, तो एकदम चिल्लाना नहीं पड़ रहा है, बहुत आराम से सॉफ्टली, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो टॉपिक क्या है अपना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो इसके डेफिनेशन आप नोट कर लो कॉपी में, पहले लिखो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure इन सॉलिड फेज। क्या लिख रहा हूँ ध्यान से समझो, कह रहा हूँ किसी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, देखिए लिखा है द टेम्परेचर, जिस पर वेपर प्रेशर, सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड फेज में, लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो उसके लिक्विड फेज में होता है जब वो बराबर हो जाता है उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर से, समझ गए ना? तो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अभी इसको ग्राफिकल मेथड से आपको ग्राफ में दिखाऊंगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे आता है, तो और बेहतर आप समझ पाओगे कि प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ग्राफ बनाना सीखते हैं। अब देखो ये टेम्परेचर है और इस साइड क्या लिया है? वेपर प्रेशर, इधर बढ़ रहा है, ठीक? आपको बताया था कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट को आप हीट करो, जैसे वाटर को आप हीट करो, तो क्या होता है? वाटर वेपर बनाता है। जितना ज़्यादा वाटर को हीट करोगे, वाटर उतना ज़्यादा वेपर बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और आपने पढ़ा था राउट्स लॉ वाले में कि जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं इनका वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद बने हुए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा आता है। तो अगर हम प्योर सॉल्वेंट के लिए इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, तो आप जानते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो क्या करें? तो एक ऐसी लाइन हमें मिलेगी प्योर सॉल्वेंट के लिए, देखिए कुछ ऐसी लाइन हमें मिली थी, ऐसे ही तो बनाए थे इसके पहले वाले में। ये किसके लिए है बोलो? ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए। और प्योर सॉल्वेंट किस फेज में होता है बोलो? लिक्विड फेज में, ठीक है? अब देखो ये तो प्योर सॉल्वेंट के लिए हो गया। अगर हम सॉल्यूशन के लिए खींचना चाहें, सोल्यूशन कब बनेगा? जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे। यहाँ नॉन वोलेटाइल का एक केस पढ़ना है आपको। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, पढ़ा था ना राउट्स लॉ में। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट की लाइन यहाँ पे आ रही है, इसके नीचे कहीं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, आएगा ना? तो उसके लिए जो लाइन खींचेंगे, देखो इसके कहीं नीचे ऐसे मिल जाएगी। ये क्या है बोलो? किसके लिए है? ये सॉल्यूशन के लिए है। ये किस फेज में है? लिक्विड फेज में। कब बना है? जब इसमें क्या मिलाया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है? प्योर सॉल्वेंट में। तो ये सॉल्यूशन बन गया लिक्विड फेज में, ठीक? समझ गए इतना? ये समझ गए ना कि इसकी वाली लाइन ऊपर दिखी है प्योर सॉल्वेंट की, और सॉल्यूशन वाली लाइन नीचे है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। देखो ऊपर जाने पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है और इसका वेपर प्रेशर कम है। ये तो बेहद आसान है, कहीं दो लाइन खींच दो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें, तो आप जानते हो कि सॉलिड को जब टेम्परेचर देते हो तो उसका क्या होगा? सब्लिमेट करता है ना वो, सब्लिमेशन पढ़ा था ना। तो सॉलिड सब्लिमेट करेगा तो वेपर बनाएगा, मतलब उसका भी वेपर प्रेशर होगा। सॉलिड सब्सटेंस को जब हीट करोगे तो वो क्या करेगा? सब्लिमेट करेगा, वेपर बनाएगा, लेकिन उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट और
लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होता है, ये तो जानते हो, लेकिन आप हीट करते जाओगे, हीट करते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सॉलिड सब्लिमेट होता जाएगा, सब्लिमेट होता जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे करके क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक सॉलिड के लिए खींच रहा हूँ, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए, तो देखो कुछ ऐसी एक लाइन आएगी, ऐसी कोई लाइन आएगी हमारे पास, ऐसी कोई लाइन आएगी। ये किसके लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है, किस फेज में, सॉलिड फेज में जब है, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है, इसे फ्रोजन सॉल्वेंट भी कहा जाता है, सॉलिड फेज में है, समझ गए। अब एक बात ध्यान से देखना है यहाँ पे, एक बात ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है प्योर सॉल्वेंट वाली जो लाइन है, देखो ये प्योर सॉल्वेंट की लाइन थी ना। अब देखो जब सॉलिड सॉल्वेंट के लिए आपने सॉलिड सॉल्वेंट को देखो हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इस सॉलिड सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो देखिए इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इस वाले पॉइंट पे बराबर हो गया, देखो जाके मिल गया ना, मतलब ये वाला जो टेम्परेचर है, ये देखो टेम्परेचर कहाँ पे है, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर ध्यान से समझना आप, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, वो सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। देखो इस टाइम वेपर प्रेशर कहाँ पे है, देखो दोनों का वेपर प्रेशर तो यहीं पे है, बराबर हो गया ना, मतलब सॉल्वेंट का जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर था वो सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इस टेम्परेचर पे बराबर हो गया, तो यही टेम्परेचर क्या कहा जाएगा, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसी को तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते थे, क्या था डेफिनेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज जब किसी सब्सटेंस के बराबर वेपर प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे आ जाते हैं उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते थे, तो ये क्या हो गया, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो इसी पे तो आके कट कर गया, इसी पे आके ना कट किया है दोनों, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये जो सोल्यूशन वाली लाइन जो बनाए थे इसको ऐसे पीछे ले आओ, ये देखो ऐसे ले आ रहे पीछे, तो देखो ये कहीं ना कहीं जाके कट करेगी इसको, कहीं ना कहीं जाके इस सॉलिड सॉल्वेंट वाली लाइन को कट करेगी। अब देखो ये जहाँ पे कट कर रही है इस वाली लाइन को भी नीचे लाते हैं। अब देखो ये एक और टेम्परेचर मिल रहा है हमें, देखो ये एक और टेम्परेचर मिल रहा है ना। अब ये देखो इस टेम्परेचर पे देखो क्या हुआ है, इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, इस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इस सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान से समझना कि जो सॉल्यूशन बना है उसमें किसका वेपर प्रेशर होगा, केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट का होगा ना, यानी सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर इस सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इस टेम्परेचर पे बराबर हो गया। तो जिस टेम्परेचर पे बराबर होगा वही क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का, तो ये क्या हो जाएगा TF, ये क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, समझ गए ना। फ्रीजिंग पॉइंट देखो दिखा दिया, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे आया ग्राफ में, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे आया ये अब दिख रहा होगा ग्राफ में, अब समझ गए ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे क्या हुआ, इसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, देखो दोनों बराबर पे हैं, तो ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, आ गया। अब एक बात आप ग्राफ में देख रहे होगे, साफ साफ दिख रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था देखो टेम्परेचर की लाइन पे यहाँ पे आया है, देखो इधर आया है, और जो सॉल्यूशन का है देखो उसके पीछे आया है, उसके पीछे है, इसका मतलब इसकी वाली वैल्यू ज़्यादा है सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, और इसी कम होने को क्या बोलते हैं, डिप्रेस हो गया, समझ गए। जब कोई जैसे मान लो कोई एग्जाम दो नंबर कम आए तो आदमी क्या होता है, बच्चा क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है ना, तो क्या हुआ फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो गया तो डिप्रेस हो गया। अब कितने का डिप्रेशन आया, देखो यही तो डिप्रेशन है, कितना है ये डेल्टा TF इसे बोलेंगे, और डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, TF नॉट माइनस TF आएगा कि नहीं, क्योंकि TF नॉट बड़ा था और TF छोटा था, तो क्या आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, और ये जो डेल्टा TF आया है, डेल्टा TF आया है इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आ गया कि नहीं, इसे क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए आप। अब आपने पढ़ा था
जैसे बॉइलिंग पॉइंट में आपने पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता था वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता था। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा इट इज़ क्लियर दैट दैट डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी तो जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है। के एफ क्या है बोलो, के एफ को क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। डिप्रेशन कॉन्स्टेंट मोलल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोलैलिटी का टर्म लिया है। डिप्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस किया है, तो क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। या इसी को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ये भी बोलते हैं। या इसी का एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, समझ गए। तो किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो एक फार्मूला अपने पास आ गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स में जब लगाना होगा तो मोलैलिटी की वैल्यू रख देंगे। मोलैलिटी जानते हो क्या होती है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो मोलैलिटी क्या होती है और इस फार्मूले को कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाएंगे, तो मोलैलिटी की वैल्यू रखते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता था, हमने पढ़ा था, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है W2/m2। W क्या है, W2 क्या है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ग्राम। ये क्या है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और किस में रहता था, ये किस में होता था, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही पढ़ा था ना। तो ये मोलैलिटी की वैल्यू है, ये किस में है, kg में। तो इसकी वैल्यू वहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा बोलो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ इंटू W2/m2 × W। ये किस में है, kg में है ना, ठीक है, ये समझ गए, ये एक फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल में एक दिक्कत आएगी कि जो ये kg में दिया हुआ है हमें, हमारे फार्मूले में जो kg में आया है, ये हमें न्यूमेरिकल्स में ग्राम में दिया होगा। मतलब हमने अभी तक तो पढ़ा था कि ये kg में रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में क्या कंडीशन रहेगी देखो ज़रा। वहाँ बोलेगा इफ़ स्मॉल w ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ क्या दिया था, kg में था, ये किस में दे दिया, ग्राम में। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसको kg में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, W ग्राम दिया है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये किस में आ जाएगा, kg में। तो इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे kg में करें, जो ग्राम में दिया है वैल्यू, उसको kg में कन्वर्ट करके यहाँ पे ग्राम वाली वैल्यू को देखते हैं कैसे आएगा, आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2/m2। अब ग्राम में दिया था तो क्या करेंगे, W/1000 करेंगे, तो 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो एक फार्मूला ये बन गया, यही वाला फार्मूला न्यूमेरिकल्स में लगेगा, समझ गए, यही फार्मूला क्या होगा, जो न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा। कोई दिक्कत है बताओ, समझ गए बात। तो इसी फार्मूले को हमें लगाना है, ठीक है। टर्म्स जान रहे हो सब ना, ये क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ये क्या है W2 क्या है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। M2 क्या है मोलर मास, किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। W क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल्स में ग्राम में दिया रहता है, तो देखो ग्राम की वैल्यू को kg में ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, तो यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, समझ गए। तो इसी फार्मूले को अभी न्यूमेरिकल में लगाऊंगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, इतना समझ गए पूरा। अब देखो ये जो फार्मूला आया था अपना, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि कई बार एग्जाम में क्या किया, एक बार एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया कि डिफाइन के एफ, ये जो कॉन्स्टेंट है इसकी डिफिनेशन पूछने लगा। अब पता लगा कि बच्चा पूरा पढ़ के गया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकल लगाया था, सब कुछ किया था, और पूछ लिया उसने के एफ। तो जब रटोगे तो रटने में एक दिक्कत आ सकती है, पता लगा के एफ पूछ लिया, आप के एफ लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो देखो के एफ कैसे लिखोगे, इसको सीखो थोड़ा सा, ठीक है। टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी, वो फार्मूला लिखा है यहाँ से, देखो यही लिखा था ना। अब देखो अगर यहाँ पे इफ मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो जाए, 1 mol kg inverse, मतलब सोल्यूशन 1 molal हो जाए,
तो क्या होगा, देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, के एफ। देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ। इट मीन्स यहाँ से आप देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, आप कह सकते हैं कि सो द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, सॉरी मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सोल्यूशन, फॉर वन मोलल सोल्यूशन। कैसे लिखते हैं, लिख रहे हैं सो द डिप्रेशन इन, सो द मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सोल्यूशन। हो गया, ये देखिए आ गया इसका डेफिनेशन। क्या रटना है इसमें, कुछ नहीं कटना, समझ गए बात। ये आपका किसका हो गया, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन हो गया। ऐसे ही आप मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन, के बी का भी डेफिनेशन अगर लिखने को आए बॉइलिंग पॉइंट वाले का, तब भी आप लिख सकते हो ना ऐसे, उसमें भी यही कर दोगे आप। आ गया समझ में, अब कोई दिक्कत है। इस कॉन्स्टेंट को क्या क्या नाम बताया, इसे बोलते थे मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हो गए। अब समझ गए होंगे बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ गया, अच्छे से समझ में आ रहा बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक ना एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा।